गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि इन पिछले 4-5 दिनों में मैं आप लोगों के लिए एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और ना ही आपको पोस्ट कर पाया। उसका रीज़न था, मेरा गला बहुत ख़राब था, जुखाम हो गया था, खांसी हो गया था। आज भी थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रहा हूँ, और कभी कभी बीच में खांसी भी आ जाए तो आप लोगों को थोड़ा झेलना पड़ेगा, उसके लिए सॉरी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद बच्चों ने मुझे मैसेज करना शुरू किया कि सर, आपके वीडियोस ने मेरे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, लेकिन एक कमी आपकी वीडियो में है कि आपके वीडियो में एक भी इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट नहीं है। तो मैंने बहुत सोच विचार के, वैसे तो इकोनोमेट्रिक्स फ्री वीडियो में होता नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि कुछ कुछ छोटे 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 कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता दूं। आज का पहला टॉपिक हमने चूज किया है अनबायस्ड, यानी जो आप गॉस मार्को थ्योरम जो आप देखते हैं, जिसमें आप जिस गॉस मार्को थ्योरम बताता है कि यदि सारी एजम्पशंस होल्ड ट्रू करते हैं, एजम्पशंस आपको हमारे पेड वीडियो में मिल जाएंगे, यदि सारे एजम्पशंस होल्ड ट्रू करते हैं तो ओएलएस एस्टिमेटर विल बी ब्लू। ब्लू ब्लू का मतलब, यहां ब्लू को मैं रेड से लिख रहा हूं, राइट, ब्लू को मैं यहां पे रेड से लिख रहा हूं, BLUE, यानी बेस्ट लीनियर अनबायस्ड इफिशियंट एस्टिमेटर, ब्लू। ये आप लोगों को थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं यदि तो आपको ये समझ में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका आज मैं अनबायस्ड समझाने वाला हूं कि अनबायस्ड ये कैसे होता है और इसको कैसे प्रूव किया जाता है। तो सबसे पहले अनबायस्ड का डेफिनेशन देख लीजिए, यानी अनबायस्ड की डेफिनेशन होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन हैट। ये पॉपुलेशन का एक्सपेक्टेड, सॉरी सैंपल का एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मस्ट बी इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। ये आपका अनबायसनेस की कंडीशन होती है। अब मैं इसको एक बार प्रूफ कर देता हूं, इसको इसको भी वहीं लिख देते हैं, राइट, इसको भी यहीं पर लिख देते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू बीटा वन। ये सॉरी, अब मैं थोड़ा सा एक सिंपल रिग्रेशन मॉडल में इसको मैं लेकर के चलूंगा। मैंने अपने पेड वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि सिंपल रिग्रेशन मॉडल में, जैसे ये देखिए, y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस यू आई। आपको मैं बता दूं, और ये अपने पेड वीडियो में भी बताया हुआ है हमने, कि y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पे देख लेते हैं इसको, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, बीटा नॉट इज द ऑटोनोमस, और कांस्टेंट टर्म्स बोल सकते हैं, बीटा वन इज द कोफिशियंट एंड x इज द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड u इज द एरर टर्म्स। इतना आप लोग जानते हैं, इकोनोमेट्रिक्स भी पढ़ा है आप लोगों ने। अब मैं इसको, एक्चुअली हमें क्या होता है, इसमें हमें बीटा नॉट एंड बीटा वन की वैल्यू को एस्टिमेट करना होता है, यानी मीन वैल्यू इसकी निकालनी होती है, ठीक है। इसमें बाय यूजिंग ओएलएस, बाय यूजिंग ओएलएस, सॉरी, हम इसको यदि ओएलएस यूज करते हैं तो हमारे पास जो बीटा वन यानी कोफिशियंट की जो वैल्यू आती है, बीटा वन हैट की जो वैल्यू आती है, वो आती है आपके पास कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई ओवर वेरियंस ऑफ एक्स।
ये वैल्यू आती है। अब ये कैसे आया, ये बहुत लंबा है और इसको इसके लिए आपको मेरा पेड वीडियो देखना पड़ेगा। इसके बाद मैं इसको अनबायस्ड प्रूफ करता हूं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां तक आप बुक्स के जरिए भी आ सकते हैं, बुक से नहीं समझ में आए तो आप मेरा पेड वीडियो देखना पड़ेगा आपको। अब देखिए इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई की जगह पर हम ये ले लेते हैं, दैट इज बीटा नॉट बीटा वन एक्स प्लस यू आई लेते हैं, डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स, कर सकते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा, कोवेरियंस बिटवीन बीटा नॉट एंड एक्स, दैट इज कोवेरियंस बिटवीन एक्स बीटा नॉट प्लस को बीटा वन, जो कि कोफिशियंट है या कॉन्स्टेंट टर्म्स है तो बाहर आता है, सो दैट इज यहां पे बीटा वन कोवेरियंस बिटवीन ये एक्स और ये एक्स, दैट इज एक्स एंड एक्स प्लस कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड यू आई प्लस कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड यू आई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा इसको आप ऐसे देख लीजिए, वेरियंस क्या होता है, चेंज, यानी एक्स एंड वाई कैसे वेरी करते हैं, बेसिकली एक्स के चेंज होने से वाई कैसे वेरी करता है, मतलब दोनों का वेरिएशन होता है। लेकिन यहां देखिए बीटा नॉट कॉन्स्टेंट है और एक्स, तो वेरिएशन और कोवेरियंस बिटवीन एक्स नॉट एंड बीटा नॉट जीरो हो जाएगा, सो दैट इज जीरो। इसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, कोवेरियंस बिटवीन दिस इज जीरो, ठीक है। यहां देखिए ये क्या है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड एक्स, यानी दो एक्स का अपने ही के साथ कोवेरियंस उसका क्या होता है, वेरियंस बन जाता है, प्लस प्लस बीटा वन एज इट इज आ जाएगा यहां पे, प्लस एक कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड एक्स, माने अपने ही के साथ उसका कोवेरियंस वेरियंस बन जाता है, दैट इज वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स फाइन, प्लस कोवेरियंस ऑफ एक्स आई एंड यू आई जीरो होता है, ये आपके एजम्पशंस में दिया गया है, दैट इज यहां पे जीरो डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स फाइन। ये क्या है आपके पास, बीटा वन हैट, तो अब देखो आपके पास ये वेरियंस एंड ये वेरियंस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा यहां पे, एक्सपेक्टेशन, यदि यहां पे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, सो दैट इज बीटा वन हैट इज इक्वल्स टू बीटा वन, यानी आपने अनबायस्ड प्रूव कर दिया। तो अनबायस्डनेस की कंडीशन क्या होती है, यहां देख लीजिए, तो अनबायस्ड ये एक ओएलएस एस्टिमेटर होता है और इसको अनबायस्ड इस तरीके से प्रूव किया जाता है। तो अनबायस्डनेस की कंडीशन होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर, सिंपल ओएलएस एस्टिमेटर मस्ट बी इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन एस्टिमेटर, ये हमने यहां पे प्रूफ कर दिया। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के वीडियो के लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको फुल कोर्स लेना है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।